हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 66 बीपीएससी के अंतर्गत पॉलिटी का जो क्वेश्चंस है उसके अंतर्गत हम आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व को रेखांकित करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को कैसे लिखना चाहिए। दोस्तों, लिखने के लिए तो प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब चीज बातें तो है, लेकिन लिखने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी लेखन शैली से ही आपका नंबर है जो मेंस में मिलता है। जानकारी के साथ आपकी लेखन शैली उच्च स्तर की होनी चाहिए, जिसके कारण आपका आंसर है जो दूसरे के आंसर से डिफर करता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा मानक वही होता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व को रेखांकित करें। दोस्तों, अगर हम इसकी भूमिका लिखना चाहेंगे तो संविधान की प्रस्तावना प्रकाश पुंज की भांति इतिहास की उद्दीप्त विचार की अवधारणा है, जो संविधान के प्रवेश द्वार के साथ लक्ष्य, उद्देश्य, आदेशों को प्रतिबिंब दिखाई देता है। दोस्तों, जो इतिहास की जो उद्दीप्त विचारधारा है वो है जो संविधान की प्रस्तावना है, और संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के प्रवेश द्वार, जिसमें प्रस्तावना से ही लक्ष्य, उद्देश्य और आदर्श का है जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसके जनता के स्रोतों की शक्ति की अवधारणा के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक का संगम मिलता है। दोस्तों, ऐसे हमें है जो बनाना है भूमिका, ताकि है जो एग्जामिनर्स आपकी कॉपी के जो है प्रतिबिंब को वहीं से समझ जाए और आपके प्रति सकारात्मक भाव हो जाए, वहां से उत्पन्न हो जाए। न्यायविधों के आधार पर विधि के शासन का आधार तथा संविधान की व्याख्या का उदाहरण भी मिलता है। हमें है जो इस प्रकार से थोड़ी भूमिका को आपको इसमें डालना पड़ेगा। फिर एक प्रस्तावना की प्रकृति, उद्देश्य और महत्व क्या क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा आप यहाँ दर्शन दे दीजिए, दर्शन के बाद अपने आगे लिखिए। प्रकृति क्या हो सकती है? संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष है जो इसकी प्रकृति है। उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो आपकी है, जो न्याय की जो बात करता है, तीन प्रकार की न्याय और पांच प्रकार की स्वतंत्रता की है जो बात करता है, आप वहां शॉर्ट में लिख के निकल सकते। अगर महत्व की बात किया जाए तो महत्व यही है कि जहां संविधान अस्पष्टता है तो प्रस्तावना है जो वहां है जो महत्व है जो दिखाई देता है। जहां संविधान में अस्पष्टता दिखाई देती है वहां संविधान में प्रस्तावना की महत्व को बताता है। संविधान निर्माताओं के विचारों के सामने ये है जो सहायक के रूप में है जो काम करता है, और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता आज भी है जो बनी हुई है। प्रस्तावना को भविष्य और वर्तमान में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। आप एक बार जो संशोधन हुआ है वो संशोधन के बाद अब है जो प्रस्तावना में संशोधन है जो नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना की प्रकृति के संबंध में भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। हमें है जो बस दिखाते हुए है जो हमें बात करनी है कि किस तरह से है जो हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है इसमें लिखना है। हम भारत के लोग इस शब्द से आशय है कि भारत की जनता द्वारा संविधान के मूल स्रोत में वर्णित है और वही शक्ति का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, अगर हम आपसे लंबा बात करते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में बात करता है कि जो शक्ति है, भारत की शक्ति है वो जनता में है जो निहित होती है, जनता ही उसकी सबसे बड़ी है जो केंद्र बिंदु है, ये है जो हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग है जो यूएनओ के चार्टर अधिनियम जो था, हम अमेरिका के लोग, वहां से है जो उसको उठाया गया था, और यहाँ हम भारत के लोग है जो यहाँ पर रखा गया था। तो इस तरह से है जो क्वेश्चंस को हमें टच करते हुए हमें पूरी कहानी नहीं लिखना है। दोस्तों, अगर पूरी कहानी लिख देते हैं तो आपकी हम भारत के लोग में ही आपका देर पे चला जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है हम भारत के लोग, इसकी व्याख्या जितना भी किया जाए कम है। तो उस चीज को है जो हमें
थोड़ा सा है जो टच करना है और एग्जामिनर्स को बताना है। संप्रभुता संपन्न की अगर बात किया जाए तो हम है जो एक संप्रभु देश है, हमने जब आजादी प्राप्त कर ली उसके बाद है जो संप्रभु देश के रूप में हमें जो माना गया, UNO ने हमें मान्यता दी, हमने है जो कहा कि नहीं हम आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर आपकी आंसर्स को और अच्छी क्वालिटी की बनाना है तो है जो क्या करना चाहिए आप हम देखते हैं। संप्रभुता संपन्न की बात करेंगे कि आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूरी तरह से संप्रभु होना, ये ठीक है, लेकिन अपवाद में अगर लिखना है तो अंतरराष्ट्रीय संधि के कारण कई तरह के अंकुश है जो हमारे ऊपर भी विद्यमान है, जैसे UNO की बात किया जाए, UNHRC की बात किया जाए, UNESCO की बात किया जाए, पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाए, तो हम है जो कार्बन क्रेडिट को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, हम है जो रिफ्यूजी के लिए हम है जो अमानना की बात नहीं कर सकते हैं, हम है जो शांति मिशन के लिए है जो हम उसकी है जो बात है जो नकार नहीं सकते हैं, तो हम है जो निश्चित रूप से है जो एक संप्रभु तो हैं, लेकिन हमें अपवाद में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमों के अनुसार हम है जो बंधे हुए हैं। आप मानवाधिकार की बात किया जाए, मानवाधिकार में जो अभी जिनेवा कन्वेंशंस हुआ था उस कन्वेंशंस में अगर किसी दूसरे देश की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में है जो वहाँ कोई भी नागरिक और वहाँ के सैनिक को हम पकड़ते हैं तो उसके साथ एक मानव अधिकार जो है दिया गया है, उस आधार से है जो हमें व्यवहार करना होगा। हमें एक संप्रभु होने के साथ है जो हम पे कुछ ना कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा हुआ है। तो आप इस तरह से है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, निश्चित रूप से आप है जो एग्जामिनर को प्रभावित कीजिएगा। समाजवादी, समाजवादी शब्द तो दोस्तों जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, लेकिन इसकी जो मूलभूत चीजें हैं कि हमने समाजवादी को लिख देंगे कि ये है कार्ल मार्क्स लेनिन जैसी है जो लोकतांत्रिक समाजवाद की जरूरत है, ठीक है आप लिखिए, लेकिन एक पॉइंट स्क्रिप्ट पॉइंट्स को लिखने का प्रयास कीजिए। शासन, प्रशासन और सरकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, इसमें सभी चीज को आ जाएगा दोस्तों। आप जहां सोचिएगा समाजवादी बात करने की तो है जो निश्चित रूप से है जो आप है जो वहां पर है जो इसको देखिएगा। भूमि जमींदारी की बात, प्रीविवर्ष, असमानता, इसको है जो हमने है जो खत्म किया और है जो समाजवाद है जो लाने का प्रयास किया। लेकिन अगर इसको जो खत्म करके हमने समाजवादी लाया, इसका अपवाद क्या निकला दोस्तों कि इसके नकारात्मक रूप है जो नक्सलवाद है जो ले लिया। आप जानते हैं दोस्तों कि 1967 में नक्सलवादी आंदोलन है जो बंगाल से स्टार्ट होता है और 1990 तक है जो तबाही मचाते रहा है। इसके पीछे के कारण है कि उनकी है जो जमींदारी प्रथा, उनकी गरीबी, उनकी आर्थिक स्थिति, असमानता को कहीं ना कहीं है जो इस समाजवाद ने है जो वैकल्पिक रूप और नकारात्मक रूप ने है नक्सलवाद को जन्म दे दिया। और 1991 के बाद जब LPG आता है तब है जो नक्सलवाद धीरे धीरे है जो खत्म होती है। आज भी दोस्तों भारत के 30 ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सलवाद से ज्यादा प्रभावित है। और एक चीज बता देते हैं दोस्तों कि ये रेड कॉरिडोर का पूरा इलाका है, ये है जो तिरुपति से पशुपति माने आपका तमिलनाडु से है जो नेपाल की जो पूरी रेड कॉरिडोर एरिया है उसमें 30 ऐसे जिले आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं जो नक्सलवाद से हैं। इसके लिए बिहार में ऑपरेशन सिद्धार्थ को चलाया जा रहा है, ऑपरेशन बस्तर की आवाज जो है वहां पर छत्तीसगढ़ में भी हुई है। अभी आप जान रहे हैं कि नक्सलवाद को गांधीवादी समाजवादी कहा जाता है, बंदूकधारी समाजवादी कहा जाता है, गांधीवादी बंदूकवादी ऐसे करके है जो वर्ड है जो दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं है जो मानव मूल्यों के खिलाफ है। वो अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं लेकिन उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। ये थोड़ी सी है जो हमने नक्सलवाद के ऊपर है जो थोड़ा सा प्रश्न डालने की बात की, थोड़ा सा और है जो इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हर एक जिले के लिए जो 3 करोड़ रुपए जो दिया जाता है नक्सलवादी को लिए वहां से खत्म करने के लिए कि उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए ताकि है जो नक्सलवाद की आंतरिक समस्या को खत्म किया जाए। तो सॉरी दोस्तों, नक्सलवाद के ऊपर थोड़ा सा मैंने है जो प्रयास डाला है, इससे रिलेटेड थोड़ा कम था लेकिन मैंने ज्यादा डाल दिया। पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे, संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष जो है पहले से ही मौजूद था दोस्तों। हमारा जो संविधान जो था 1942 में जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष हमारे राज्य देश में पहले ही से था, इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे मौलिक अधिकार में आप देखते 14, 15, 16, 25, 28 ये है जैसे
अधिकार में कम से कम है, जो पंथ निरपेक्षता के दर्शन को पहले ही बता चुका था, लेकिन इसे जोड़ने से और है जो कहीं ना कहीं सकारात्मक हुआ। इसके धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में थोड़ा सा अंतर हम बताने का प्रयास करेंगे कि धर्म निरपेक्ष है जो नकारात्मक चीज है और ये पश्चिमी सभ्यता की अवधारणा पर आधारित है, वही है जो पंथ निरपेक्ष है वो सकारात्मक है और इसका कोई धर्म है जो नहीं होता है। आपने जब नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता की बात जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक का अगर कल्याण है जो बहुसंख्यक के हाथों में है, अल्पसंख्यक अगर कहीं भी है तो बहुसंख्यक अगर उसकी संरक्षण नहीं देगा तो अल्पसंख्यक कभी भी है जो अपने मानव मूल्यों की पद्धति पे नहीं चल पाएगा, उनके साथ है जो ज्याति होती रहेगी। आपका उदाहरण देखा जाए दोस्तों कि पाकिस्तान में 1947 में जब देश बटा था तो वहाँ जनसंख्या 25.45% थी हिंदुओं की, आज वर्तमान में 1.7% है। एक अब्बास कमेटी बैठी है पाकिस्तान में दोस्तों, वहाँ की एक कमेटी ने बताया है कि निश्चित रूप से अल्पसंख्यक के ऊपर है जो ज्याति हुई है, और अब्बास कमेटी की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के अभी वर्तमान सरकार को है जो सौंपी है, और उसमें है जो है जो एक नकारात्मक रूप दिखाया है, उस कमेटी का रिपोर्ट आया है। तो आप है जो निश्चित रूप से है जो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में भारत एक ऐसा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा पर विश्व एक है। हम है जो विकास की बात करते हैं, हम जन भागीदारी के साथ जन विकास की बात करते हैं, और है जो पंथ निरपेक्षता हमारी है जो मूल आधार है, और हमने आर्टिकल 51A में यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय संबंधी मामले में भी है जो इस चीज को मैंने दिखाया है। तो इस चीज से दोस्तों कि आप पंथ निरपेक्षता की बात है जो कर सकते हैं। लोकतांत्रिक, हमने लोकतंत्र को चुना है दोस्तों, हमारा देश है जो लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जानते हैं कि जनता ही सबसे बड़ी मालिक होती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही वो है जो कानून को बनाते हैं और है जो वहाँ से आपकी कल्याणकारी राज्य की है जो बात करता है। यह जनता के शासन पर आधारित होता है जो लोकतांत्रिक है। आप एकदम सरल भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, कोई भी चीज़ जो है सरल भाषा जो होती है कहीं ना कहीं है जो एग्जामिनर के ऊपर है जो इफेक्ट डालती है। तो हमें जो लोकतंत्र कैसा है, तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, जन भागीदारी लोकतंत्र, विचार मूलक लोकतंत्र, और यह जो राज्यों के जो केंद्र राज्य की शक्ति उसमें डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर केंद्र राज्य संबंध में कैसे कैसे जो शक्ति का बंटवारा किया गया है, ताकि है जो एक है जो सुचारू रूप से है जो इस पूरी लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाया जा सके, और चेक बैलेंस के रूप में है जो काम करता है, और यह जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जनता के द्वारा होता है, यह सरकार की शक्ति होती है और संविधान द्वारा मिलती है। तो ये लोकतांत्रिक शासन कैसे चेक बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में आप है, इसके बारे में आप लोकतंत्र के बारे में आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा कोटेशन है दोस्तों, उसके बारे में है जो आप बात कर सकते हैं, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, तो आप है जो उसको लिख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ के साथ साथ कुछ नई चीज़ें के साथ है जो आपके आंसर में होनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में उदारवादी है। उदारवादी होता है दोस्तों कि है जो उस पर है जो स्वतंत्रता की बात की जाती है, व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है, समाज के बातों को है जो सुना जाता है, उसमें है जो सर्वाधिकार की बातें नहीं होती है, उसमें है जो निर्वाचित सरकार की बात किया जाती है, अधिकारों की बात किया जाता है। अब इसमें उदारवादी में भी बहुत सारी चीज़ होती है, आप है जो सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, तो वो है जो अलग चीज़ है, वो है जो आगे जब पढ़िएगा तो है जो उसको मिलेगा। उसमें कुछ थिंकर्स के बारे में भी बात लिख सकते हैं उसके अंदर में। प्रस्तावना में उद्देश्यों के निर्माता के दो महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार को दिए गए हैं, एक स्वतंत्रता और दूसरा न्याय। स्वतंत्रता है जो दोस्तों आप जानते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह जो क्रांति की ही उत्पन्न है दोस्तों, जब क्रांति हुई थी उसमें से है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निकल के आया था, और स्वतंत्रता की बात है जो निकल कर आई थी। इन सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने विचार को अभिव्यक्ति पद्धति के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है, जिसमें आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता। आप है जो दोस्तों 19, 14 और 21 को है जो ट्रायंगुलर, गोल्डन ट्रायंगुलर संविधान का मौलिक अधिकार का कहा जाता है, तो उसमें है जो अपनी स्वतंत्रता को कैसे कर सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं, आप जिस धर्म में विश्वास है उसको मान सकते हैं, और उपासना पद्धति आपकी है उसको है जो आप जो मान सकते हैं। तो यह जो स्वतंत्रता की बात करता है, और लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता ही है जो मूल आधार होता है दोस्तों। प्रस्तावना के न्याय के संबंधों में उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सामाजिक में आर्टिकल 14, 15, 17, 39, 41, 42 ये है जो सामाजिक रूप से जो जुड़ाव रहता है और समाज में सामाजिक समानता की बात करता है। आर्थिक की बात किया जाए तो अमीर और गरीब इसमें है जो समान व्यवहार की है जो बात किया जाता है। अभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में है जो 20% लोगों के पास है जो सबसे ज़्यादा पैसा है और बाकी है जो बाकी लोग हैं जो आर्थिक रूप से है जो पिछड़े रूप से है उनके पास है जो गरीबी की समस्या है। तो निश्चित रूप से है जो अमीर और गरीब की जो खाई है उस खाई को है जो हमें कम करना है ताकि है जो समान व्यवहार है जो आर्थिक रूप से सशक्त हो। और राजनीतिक की अगर बात किया जाए दोस्तों तो महिला और पुरुष को 18 वर्ष से अधिक उम्र के वोट का अधिकार है जो दिया गया है, इससे जो राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा है जो मिलेगा। तो है जो कुछ इस तरह से है जो बातों को लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। समता की बात करेंगे तो नागरिकों को अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता से संबंधित है। समता के बिना स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। सभी नागरिक विधि के दृष्टि से बराबर है और देश के विधियों के समान संरक्षण है जो प्राप्त है। तो समता की बात है, आपका जो देश की विधि है उसके अनुसार सब है जो समान है, समान दृष्टि से संरक्षण प्राप्त है और सभी को समता के लिए है जो अधिकार प्राप्त है। पंथता की बात किया जाए दोस्तों तो भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक स्तर पर भारत में विविधता में एकता है दोस्तों, अनेकता में एकता है। तो इस अनेकता और एकता में है जो विविधता को समाप्त करके हुए समरसता और भाईचारे की भावना को है जो हमें लाना है। जो भी विविधता आ रही है उसको है जो हमें कम करना है और उसको है जो इस पर काम करना है। इसके महत्व के स्वरूप के आधार पर अगर कहा जा सकता है दोस्तों कि इसकी प्रस्तावना के महत्व को कैसे है जो आप लिखिएगा, तो संविधान के मूल ढांचे की ओर संकेत करती है प्रस्तावना जो है। संविधान के जो मूल ढांचा है, जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स है, उसकी ओर संकेत करती है। और इसका है जो आप जानते हैं कि बेरुबारी के बाद जो विश्वानंद भारती का जो केस आया था उसमें बोला था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज है जो नहीं कर सकती है। तो है जो आप केशवानंद भारती का है जो आप जो 13 जजों की जो जजमेंट थी इसमें है जो बहुत ही बड़ी जजमेंट माना जाता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको न्यायपालिका का है जो एक हथियार ब्रह्मास्त्र के रूप में है और समय समय पर है जो उसकी व्याख्या है जो की जाती है। तो निश्चित रूप से है जो प्रस्तावना को है जो संविधान के मूल ढांचे की ओर संकेत करती है। आर्टिकल 356(1) के अंतर्गत कोई परिवर्तन है जो न्यायिक पुनरावलोकन के अनुरूप है, जो प्रस्तावना के अनुरूप को जीवित करता है, जीवंत करता है। तो यह है जो दोस्तों है जो एक जीवंत है जो संविधान है जो भारत है, गतिशील है, निरंतरता है, भविष्यगामी है। आप है जो इस वर्ड का है जो यूज कीजिएगा, वर्तमान में भविष्य में कोई ऐतिहासिक ताकत इसे संशोधन नहीं कर सकती है। जहाँ संविधान अस्पष्ट है वहाँ मार्गदर्शन बनती है। तो ये कुछ है जो प्रस्तावना के महत्व के बारे में था। और उसके बाद हम कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। जब कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे तो इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रस्तावना के दर्शन को सारगर्मित रूप से आधारभूत सिद्धांत की प्रकृति जीवंत, विकसनशील, भविष्यगामी प्रारूप का दर्शन है जो 104 संविधान संशोधन के बावजूद मूलभूत सिद्धांतों की प्रकृति और प्रासंगिक को दिखाता है, जो संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी को बताता है। तो आप है जो इसके साथ है जो आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ है छोड़ते हुए आप है जो अपनी है जो प्रस्तावना के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। दोस्तों आज हम यहीं तक मिलते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस को है जो मैंने है जो इन है जो देखेंगे। जिस प्रकार से टाइम मिलते रहेगा आपके साथ जोड़ते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।